subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. कर्नाटक का जनादेश ईवीएम में बंद है. सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी कल साफ हो जाएगा. लेकिन पिछले पंद्रह दिनों तक चले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान से निकले आक्रामक अल्फाज अब भी सियासी फिजा में गूंज रहे हैं. और इन्हीं में से एक बयान पीएम मोदी का भी है जो कांग्रेस को बेहद नागवार गुजरा है. 6 मई को कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी एक भाषण को कांग्रेस ने सियासी हथियार बना लिया है. पीएम के एक भाषण को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस बयान को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत कर दी है. मनमोहन सिंह की माने तो ऐसे धमकी भरे बयान प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मर्यादा को घटाते हैं. लिहाजा राष्ट्रपति को अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए. पीएम मोदी को विपक्षी नेताओं को धमकी देने से रोकना चाहिए. मनमोहन सिंह की इस चिट्ठी ने कर्नाटक के परिणाम से पहले दिल्ली का सियासी पारा काफी गर्मा दिया है. बीजेपी मनमोहन की चिट्ठी के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो उठी है. और ऐसे में बताना तो पड़ेगा मैं, हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या विपक्ष को धमकाते हैं? राष्ट्रपति को मनमोहन सिंह की चिट्ठी क्या सियासी है? और राहुल का गब्बर वाला बयान क्या कांग्रेस भूल गई है? ऐसे सवालों पर हम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा. लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट. कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लीजिए. अगर सीमाओं को पार करोगे तो मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे. 6 मई 2018 को कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हुंकार को कांग्रेस ने सियासी हमले का हथियार बना लिया है. हुबली धारवाड़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की भाषा शैली पर एतराज जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इसकी शिकायत कर दी है. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पीएम की भाषा को अशोभनीय और धमकाने वाला करार दिया है. जो लोग नामदार होते हैं उनको कामदारों की परवाह नहीं होती. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड से राष्ट्रपति को भेजी गई इस शिकायती चिट्ठी में लिखा गया है कि देश में इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी ने सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों की पूरी गरिमा और मर्यादा का पालन किया. ये सोचा भी नहीं जा सकता कि लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कोई प्रधानमंत्री मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं और सदस्यों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा. प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस नेताओं को दी गई ये धमकी निंदनीय है. 125 अरब लोगों वाले लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए. निजी या सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा अस्वीकार्य है. आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ऐसी धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल से रोके. हुबली में दिए गए पीएम मोदी के इस बयान पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पहले भी पलटवार कर चुके हैं. लेकिन राष्ट्रपति को भेजी गई इस चिट्ठी के बाद बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह की दुखती रग छू दी है. It is all the more shocking that the Prime Minister of India stoops so low and uses language and phraseology which is unbecoming of a Prime Minister, particularly when he is in a state where elections are taking place. I think no Prime Minister has used this election time to say things in a manner which Modi ji has been trying. काश ये उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे इस तरीके का ज्ञान उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी को बांटा होता तो ये वक्तव्य आज नहीं दे पाते. क्या ये कानून और संविधान के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुकूल है? यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है और ये मांग की है राष्ट्रपति जी से कि वो प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा की याद दिलाएं, उन्हें कहें कि वो पद की शुचिता और मर्यादा को इतना नीचे ना गिराएं ताकि संविधान और परिपाटी ही धूमिल हो जाए. कर्नाटक चुनाव में नेताओं की आक्रामक बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है.
लेकिन बीजेपी पर तोहमत जड़ रही कांग्रेस को आखिर अपने अध्यक्ष राहुल गांधी के वो बयान क्यों नहीं याद आते जब वो पीएम मोदी को झूठा कहते हैं, शोले फिल्म के किरदारों की आड़ में पीएम मोदी पर वार करते हैं, और तो और खुद शिकायती दल के अगुआ मनमोहन सिंह भी पीएम के बयान के लिए नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। जाहिर है आईना किसी को अच्छा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, लखनऊ से जुड़े हैं आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अवनिजेश अवस्थी, आरएसएस विचारक हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम बताना तो पड़ेगा में। और सबसे पहले बताना तो इसमें पड़ेगा बीजेपी को। राकेश त्रिपाठी, बहुत गंभीर आरोप है, प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो बहुत गंभीर मामला है भाई। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है ये वास्तविकता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि येदुरप्पा पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कोई आरोप बचे नहीं है जिन्होंने न्यायपालिका का सामना किया हो। बावजूद इसके पूरे कर्नाटक चुनाव कैंपेन में न्यायपालिका के फैसले के बाद भी बार बार उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता रहा। अब इस प्रकार की मर्यादाएं कांग्रेस बार बार पार करने का काम करेगी, लगातार झूठ बोलने का काम करेगी, सार्वजनिक मंचों की कोई मर्यादा नहीं रखेगी, तो निश्चित तौर पर चेतावनी दी ही जाएगी। और इस चेतावनी में कुछ भी गलत नहीं है। और आज किसको बुरा लग रहा है? मनमोहन सिंह जी को बुरा लग रहा है। ठीक है, आपने कहा, आपने अपनी बात रखी, क्या ये चेतावनी आपको लग रही है? चेतावनी की भाषा लग रही है या धमकी की भाषा लग रही है? आप संदर्भों पर हम बात करेंगे। ये ठीक है कि आपने कई संदर्भ गिनाए, उनकी चर्चा होगी ही। इसके साथ कांग्रेस के भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है लेने के देने पड़ जाएंगे? ये जो भाषा है ये चेतावनी की भाषा है या धमकी की भाषा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल चेतावनी की भाषा है। और कांग्रेस तो लगातार जब से राहुल गांधी जी अध्यक्ष हुए हैं लगातार देने का काम कर रही है, एक एक करके राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में देती जा रही है। वैसे ही जैसे कल कर्नाटक वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में दे देगी। ये तय है कि कांग्रेस की जिस प्रकार की अहंकारी राजनीति है, अभिमानी राजनीति है, ये अभिमानी राजनीति निश्चित तौर पर कांग्रेस का लगातार नुकसान करेगी। और जिस तरह का परिचय आज उन्होंने इस प्रकार पर आपत्ति देकर कहा है, मैं केवल इतना कहूंगा कि सच कहना कोई बगावत नहीं है, मगर कांग्रेस को सुनने की आदत नहीं है। जो फेंका है तुमने झील में पत्थर, तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। गजब, एक शेर से इन्होंने अपनी बात रखी है। अब जवाब दीजिए इस पर आलोक शर्मा जी। हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए? कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। सुनिए, हम हमेशा नीतियों की आलोचना करते हैं, लेता कि नहीं, लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार में थे तो उनके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया ये आप जानते हैं। मैं प्रधानमंत्री के इस बयान को आडवाणी जी के उस बयान के संदर्भ में देख रहा हूँ। जब आडवाणी जी ने कहा था देश के अंदर फासिज्म आ गया, तो इसकी बात कोई गलत नहीं कही थी। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा देश में फासिज्म आ गया, तो गलत नहीं कहा था। जब कोलेजियम के 5 जजों में से 4 जज ने कहा कि देश के अंदर फासिज्म आ गया, इसको बचा लीजिए, तो कोई गलत नहीं कहा था। आज प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये पूछना चाहता है कि जिस पाकिस्तान से आप चीनी मंगाते हो और देश का किसान रो रहा है, देश के बेरोजगारों को कह रहे पकौड़े तलने का काम देते हो, जो आपने 15-15 लाख देने का वादा किया था वो क्यों नहीं दिया गया? बातें बहुत सारी हैं, ये सब देश पूछना चाहता है, इसमें आपको आपत्ति है। जैदी साहब, बहुत सारी बातें। अगर आप पाकिस्तान को ये धमकी देते कि अगर कल से आतंकवाद देश में हुआ तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तो हम समर्थन करते। आज चीन को आती है, चीन को धमकी देते कि डोकलाम में दोबारा हराने और धमकाने की भाषा, विपक्ष को दबाने की भाषा प्रधानमंत्री की, विपक्ष को धमकाने का काम। अवनिजेश जी, जवाब दीजिए। फासिज्म आ गया देश के अंदर, जब तक ये बोलते रहेंगे मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप जवाब दीजिए कि ये डराने धमकाने की भाषा विपक्ष को, ये कहां से आ गई राजनीति में? और इस तरह की भाषा, इन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को धमकाने की बात करते तो बेहतर होता, देखता वो, लेकिन विपक्ष को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, इसमें धमकी कहां पर है? ना धमकी है ना चेतावनी है, तो जैसे को तैसा है। जैसे को तैसा, अगर आप लगातार झूठ बोलेंगे, दलित एक्ट के बारे में झूठ बोलेंगे, आरक्षण खत्म कर दिया, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? कोर्ट में PIL जाए कि आपने कैसे कह दिया ये? आप कहेंगे कि मैं 15 मिनट संसद में बोलूंगा तो कोई खड़ा प्रधानमंत्री खड़े नहीं रह पाएंगे? नहीं, तो ये जो चिट्ठी लिखी है, नहीं, जो अपना दर्द बयां किया है विपक्ष ने या कांग्रेस के, दर्द वर्द कुछ नहीं है ये, उनके पास तो मुद्दा नहीं है।
क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक है? अरे राजनीति भी बहुत घटिया स्तर की है। आपने कहा कि नीरव मोदी विजय मलाया को भगा दिया, अभी बहुत सारी जांच आने वाली है, किसने किसके कहां कहां किस किस देश में क्या प्रॉपर्टी है, जिसकी एवज में लोन दिए गए, वो सब खुलने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने नहीं भगाया, भगाना होता है एंडरसन को। सरकारी गाड़ी में 50,000 लोगों के मौत के जिम्मेदार जो था एंडरसन, सरकारी गाड़ी में भोपाल से उसको लेकर के एयरपोर्ट तक ले जाया गया और वहां से बाहर भगाया गया, उसको कहते हैं भगाना। आलोक जी, ये भाषा की मर्यादा के नाम पर सीधे सीधे मोदी को निशाना बनाया गया है और उन्हें सच कहने से रोका जा रहा है, सियासत की जा रही है। अगर वो सच सामने रखना चाहते हैं तो देखिए, मैं समझता हूँ अजीत जी, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कैबिनेट को हेड करते हैं, 130 करोड़ लोगों की आवाज रखते हैं और वो अपनी शपथ लेते हैं कि विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर मैं काम करूंगा। शपथ में तमाम तरह के जो शब्द हैं उसमें है कि कानून के अनुसार मैं सच्ची निष्ठा के साथ काम करूंगा। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री अगर डराने धमकाने की बात करे, उंगली कर करके कहे, क्या भाषा है, कांग्रेस के नेता कान खोल कर सुन लो, ये डराने की धमकाने की नहीं भाषा तो कौन सी है भाई? अगर सीमाओं को पार करोगे, अरे भाई कोई सीमाओं को पार कर रहा है? आप देश के प्रधानमंत्री, आप खिलाफ एक्शन लीजिए, ये तो मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमारा देश सांप सफेलों का देश है, फिर कहते हैं कि सब मेरे दोस्त। एक मिनट अजीत जी, यही भाषा है अजीत जी, आप सुन लीजिए, झूठ है, इसी झूठ का चेहरा उघाड़ देने के लिए कहा गया है। अवनिजेश जी, इसी झूठ का चेहरा उघाड़ दिया अजीत जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हम बता रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे केवल ये बताइए, अभी इन्होंने कहा साहब येदुरप्पा को भ्रष्टाचारी कह दिया, अरे भाई 15 केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के पेंडिंग है, जरा नॉलेज बढ़ा लें आप लोग। इन्होंने कहा साहब वो एंडरसन को जो है छोड़ के आ गए वहां पर, जैसे 2G केस में हुआ। एक मिनट सर, 2G में क्या हुआ है? 2G में बरी हुए तो ये येदुरप्पा क्या हुए? अरे सर सुन लीजिए ना, 2G या तो 2G में भी भ्रष्टाचार, 2G में तो हम बरी हो गए। अरे सर येदुरप्पा भ्रष्टाचारी, येदुरप्पा बरी कहां? जिस कोर्ट से 15 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सर, अभी जिस न्यायिक प्रक्रिया से 2G का केस आया है, अजीब बात है भाई। एक मिनट, अब सुन लीजिए, मोदी ने भाषण की जो शुरुआत की थी उससे आगे पीछे की भी बातें सुन लीजिए। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर होता है तो पीएम को विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का आरोपी बताया जाता है, जब वो कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं तो। येदुरप्पा अदालत तक का सामना कर चुके हैं, ये एक एक लाइन में बता रहा हूं आपको, अनर्गल आकारहीन और झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मैं मर्यादाएं तोड़ना नहीं चाहता, यह भी कहा, एक लाइन जोड़ा उन्होंने मोदी जी ने जी। उन्होंने कहा मैं मर्यादाएं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने वहां पर थोड़ा सा पॉज दिया है, फिर कहा कि जमानत पर छूटे हुए फिर क्यों FIR हुई है उन पर। ये सारी बातें उन्होंने की बातें उठाई, मां बेटे की बात की। अजीत जी मैं उत्तर दे देता, क्या आरोप लगे हैं? अजीत जी मैं उत्तर दे देता, सबसे ज्यादा अगर मर्यादाएं किसी ने पिछले 4 वर्ष में तोड़ी हैं तो मोदी साहब ने तोड़ी है। अब देखिए साहब, मैं उत्तर दे रहा हूं, कारण बता रहा हूं। आलोक जी एक मिनट सर, मैं कारण मर्यादा की नहीं है, आप नहीं देना चाहते, आप बात करना पसंद करते हैं कि गिनने मुश्किल हो जाएंगे। एक मिनट सुन लीजिए, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें किस किस शब्द का इस्तेमाल किया है, इमेंस डिग्निटी एंड डेकोरम, इसके अलावा लिखा है थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है, भयभीत करने वाला है, डराने, इसमें डराने वाली बात क्या है, डर किसे लगता है आलोक जी? देखिए मैं समझता हूँ डर उसको लगता है जो गलत हो, और डराता वो है जो अंदर से कमजोर। राहुल जी को डर लगता है? नहीं, डर किसे लगता है सबसे पहले आपने कहा? अजीत जी ठीक है, डर कोई नहीं रहा है, उसमें सेंटेंस में आगे लिखा है कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के दमन से नहीं डरी, आपको नहीं बताएंगे, कांग्रेस पार्टी आज भी मोदी जी जैसे लोगों से नहीं डर रहे, ठीक है वो नहीं बताएंगे, आप वो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं? मोदी ने जो कहा सर, अजीत जी देखिए तो बात करने दीजिए, ठीक है नहीं तो फिर मैं कहूंगा मैं जी न्यूज पे बैठा हूँ। नहीं नहीं, आप अपनी बातें रखिए, निष्पक्ष प्रोग्राम है, मैं पूरी बात रखता हूं। देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, 3 बार से आप कह रहे हैं निष्पक्ष कर रहा हूं मैं, आप बोलिए, मैं कह रहा हूं आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, उनमें लिखा है साफ कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे और कांग्रेस पार्टी ने बहुत से चैलेंजेस को स्वीकार किया है, चैलेंज वर्ड है उसमें, मोदी जी का आज जो शासन है और मीडिया जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है पूरे देश को कि मीडिया क्या सुबह से शाम तक मोदी नामा चलाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, अगर आपके पास कोई ताकत है मुझे बता दीजिए, 4 वर्षों में एक भी कोई इंक्वायरी शुरू की हो आपने और कंप्लीट कर दी हो,
मोदी साहब एक भी इंक्वायरी भ्रष्टाचार की आपने आने के बाद शुरू की हो और उसको कंप्लीट कर दी। कौन सी अभी हो रहा है ना चिदंबरम के साथ शुरू हुई है, कंप्लीट कौन सी कर दी सर? ये 4 साल के बाद शुरुआत, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। केवल ये बता रहे सर, चीजें बाहर आ रही हैं सर, मुझे कोई जो चीज बाहर आ रही है सर, मेरा क्या सवाल था जी? एक पुख्ता सबूत जी जी मुझे केवल ये बता दीजिए। आप नहीं नहीं मेरे एक मिनट सर, मेरे मेरे जो मैंने सेंटेंस चूज किया उसका उत्तर है आपके पास? बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मुझे एक इंक्वायरी बताइए जो मोदी जी ने शुरू की और 4 साल में समाप्त। कोई भी जो भाषा 4 साल के बाद अरे हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं जेडीयू के नेता, बताइए ना, पटना से जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम आएंगे आपके पास। मिर्ची लग गई, बयान बहुत सारे, मुझे उत्तर नहीं देने देंगे। आलोक जी फिर बात आगे कैसे जाएगी? जय सिंपल नहीं, जयदी साहब डर किसे लगता है? नहीं डर देश का प्रधानमंत्री धमकी दे रहा है उससे सवाल क्यों कर रहा हूँ डर किसको लगता है? मतलब अरे डर किस डरने की बात क्यों है? आप भी करने की बात कहाँ से आई? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले नहीं हुआ था? आपने टॉपिक को भी आप देश के प्रधानमंत्री इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल बड़े नीच के आप लोग अगर लगातार बोलते रहेंगे मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मनमोहन सिंह और ये डर और बढ़ेगा समय का तमन कतरा भाग जाता है तो दरोगा से सवाल पूछा जाता है ना क्यों भागा? अरे नीच अगर कोई बाहर भाग जाता है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? भाषा की मर्यादा की बात आती है, क्यों भागा? विपक्षी आवाज मदद की काम कर वो भी पकड़ा जाएगा, चोर का मददगार भी पकड़ा जाता है, चोर का मददगार भी पकड़ा जाता है। मोदी जी सवाल है और भी कई सारे बयान है। अभी भी मनमोहन सिंह ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उस पर, 6 तारीख का बयान है मोदी का, बाद जो भाषा उन्होंने कही वो मणिशंकर अय्यर की भाषा है।